साइबर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आइए आज हम लोग कुछ साइंस की बातें करते हैं। साइंस में केमिस्ट्री से कुछ टॉपिक उठाते हैं, उसके बारे में चर्चा करते हैं, है ना। तो साइंस में कौन सा टॉपिक उठाएं, तो चलिए आज साइंस में गैस के बारे में जानते हैं, है ना। बहुत सारे विद्यार्थी का डिमांड भी था कि सर मैथ का तो बता ही दिए, रीजन का भी बता दिए, यहाँ तक जीएस में आर्ट्स का भी बता दिए, थोड़ा साइंस के कुछ बातें करते तो थोड़ा अच्छा रहता। तो चलिए इससे पहले रिजल्ट जो आया था विधानसभा का हिमाचल गुजरात उसके बारे में डालें। आज मैं केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक उठा रहा हूँ, ऐसे टॉपिक है तो चैप्टर बड़ा, लेकिन उसका छोटा सा पार्ट उठा कर आपको बताऊँगा, हल्का, ज़्यादा कुछ है नहीं, कुछ समय का है, आप इसको देखें। और ये सारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, शायद आप जानते हो तो ठीक है, नहीं जानते हो जानते होंगे लेकिन वो गहरी चीज़ नहीं जानते होंगे। अब देखिए इसके इसको थोड़ा बेहतरीन तरीके से समझते हैं, किसके बारे में, तो आज हम लोग जानते हैं गैस के बारे में, है ना। उसको जानने से पहले हम लोग जानते हैं, चलिए देखते हैं, ये जो है आपका, ये आपका पृथ्वी का सतह है, ये क्या है आपका पृथ्वी का सतह, इसको अर्थ सरफेस जिसको बोलते हैं, अर्थ सरफेस, ये आपका पृथ्वी का सतह है। तो आखिर की गैस जो पाया जाता है कहां तक पाया जाता है मालूम है, तो गैस जो पाया जाता है वो पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है। सुने क्या बोले, गैस जो पाया जाता है वो कहां तक पाया जाता है, पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर ऊंचाई तक। चलिए देखते हैं, ये पृथ्वी का सतह है, पृथ्वी की सतह से कहां तक, 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक क्या पाया जाता है आपका, गैस पाया जाता है 400 किलोमीटर। तो अब तो पता चल ही गया कि जो गैस पाया जाता है वो कितना ऊंचाई तक, पृथ्वी की सतह से 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक, है कि नहीं। चलिए ये तो समझ ही गए, पृथ्वी की सतह है ये 400 किलोमीटर की ऊंचाई, ये जो है हमारा एटमोस्फेयर है जिसको वायुमंडल बोलते हैं, है कि नहीं। अब बात पता चल ही गया कि गैस जो है 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाते हैं, तो इसमें जो है कौन कौन सी गैस पाई जाती है ये बात करते हैं। इसमें से बात मोस्टली रूप से ये करें तो ये पूरा ये क्या है, इसको पहले देख लेते हैं, इधर ये सब क्या है, गैस है, ये सब सारा क्या है, सब ये वातावरण है जिसको वायुमंडल बोलते हैं, ये सारा क्या है, गैस है। ऐसा करते आप सारे लोग समझ भी रहेंगे और भली भांति समझ रहे होंगे अच्छे तरीके से। अब हम आगे बात करते हैं, है ना, आगे बात। तो एक इसमें जो पाया जाता है, जो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला जो गैस है, वो सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है नाइट्रोजन। सबसे अधिक मात्रा में अगर आपसे प्रश्न पूछ ले इस वायुमंडल में सबसे ज्यादा सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो क्या है वो है आपका नाइट्रोजन। नाइट्रोजन तो वो कितना परसेंट पाया जाता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो पाया जाता है आपका 78% पाया जाता है, जो वायुमंडल का सबसे अधिक। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है, तो दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो ऑक्सीजन है। क्या ऑक्सीजन, वो कितना परसेंट है, ऑक्सीजन जो है आपका वो 21% है, कितना है 21% है। आशा करते हैं कि आपको यह भी चीज समझ में आ गया। थोड़ा सा आगे निकलते हैं, और कौन सी पाई जाती है, तो बाकी अदर गैस पाई जाती है, और वो कितना पाया जाता है 8%, कुल मिलाकर कितना हो गया 100%। तो समझ में आ गया होगा कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में अगर गैस पाई जाती है तो वो क्या है, नाइट्रोजन, जो 78% पाया जाता है। दूसरा सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है, तो वो है ऑक्सीजन जो 21% है, और बाकी अदर जो है वो 1% है। उस अदर अन्य में, अन्य 1% में भी, ये जो अन्य 1% है उसमें भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है आपका आर्गन। इस अन्य में भी जो सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस है वो है आर्गन, जो आपका 0.93% है, इसमें भी आर्गन।
जो ये एक अक्रिय गैस है, नोबेल गैस जिसको बोलते हैं, एंड उत्कृष्ट गैस। तो आप इन सब चीज को समझ गए होंगे कि पृथ्वी के सतह से कितनी ऊंचाई तक गैस पाया जाता है, तो 400 किलोमीटर तक की ऊंचाई तक पाया जाता है। उस वातावरण में, उस वायुमंडल में सबसे ज्यादा मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो नाइट्रोजन जो 78% है। दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस क्या है, तो वो है आपका ऑक्सीजन, जो 21% है। बाकी अन्य कितना परसेंट है, 1%। उस 1% में भी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाला गैस क्या है, तो वो है आर्गन, जो 0.93% है। तो यहां तक की ये बात रही। तो एक सवाल ये भी बनता है कि क्या कुछ ऐसा भी गैस है जो इस वातावरण में, इस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। प्रश्न क्या बन रहा है, क्या कुछ ऐसा भी गैस है जो इस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो हाँ ऐसा वो गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो बात करते वो कौन सा गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, तो वो दो गैस है। एक आपका ऐसा गैस है जिसका सबसे वजन कम है, जो क्या होता है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, सबसे कम वजन होने के कारण और सबसे कम घनत्व होने के कारण। ऐसा भी गैस है जिसका घनत्व कम है, वजन कम है, जिसके कारण वो क्या होता है ऊपर चला जाता है। और एक ऐसा भी गैस है जिसका घनत्व ज्यादा है और वजन भी। एक प्रश्न भी देख ले, क्या बोले कि घनत्व कम और वजन भी कम है ना, के कारण क्या होता है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। और एक ऐसा भी जिसका घनत्व क्या है, घनत्व ज्यादा और वजन भी ज्यादा, जिसके कारण वो क्या होता है इस वायुमंडल में ना रह करके नीचे आ जाता है। ऐसा दो चीज, जिसका घनत्व कम और वजन कम, जिसके कारण वो क्या होता है इससे बाहर चला जाता है वायुमंडल से। और एक ऐसा भी गैस है जिसका क्या है, घनत्व भी ज्यादा है, वजन ज्यादा है, जिसके कारण वो पृथ्वी के अंदर आ जाता है। तो वो कौन सा है जो कि ऊपर चला जाता है और कौन सा है जो पृथ्वी के अंदर आ जाता है, तो वो सबसे कम घनत्व और सबसे कम वजन जो है वो आपका हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक ऐसा गैस है जो सबसे कम वजन है, जितना भी गैस है उन सारे गैस में सबसे कम वजन है वो हाइड्रोजन है, जो क्या होता है ऊपर चला जाता है। और रेडॉन एक ऐसा गैस है, क्या चीज, रेडॉन। रेडॉन एक ऐसा गैस है जो सबसे वजन, सबसे भारी गैस है, जो क्या होता है वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए वो कौन सी गैस है जो वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो क्या बोलेंगे आप, बोलेंगे हाइड्रोजन और रेडॉन। आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि सबसे हल्की गैस क्या है, क्या पूछेगा, सबसे हल्की गैस तो कौन है, सबसे हल्की गैस जो है वो आपका हाइड्रोजन है। क्या है, हाइड्रोजन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे भारी गैस क्या है, अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे भारी गैस कौन है, तो आप बताएंगे रेडॉन, रेडॉन है ना। सबसे भारी गैस जो है वो आपका रेडॉन है और सबसे हल्का गैस जो है आपका हाइड्रोजन है। तो आशा करते हैं कि आपको भली भांति ये समझ में आ गया होगा। ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सारे प्रश्न है कि नहीं, ये आपको बहुत सारे काम देने वाले हैं, इसको ध्यान रखें। और एक चीज और आप ध्यान ये भी दें कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस, नोबेल गैस, ये क्या है, इसको नोबेल गैस भी बोला जाता है, नोबेल गैस, नोबेल उत्कृष्ट है ना, अक्रिय गैस, ये सारा आर्गन को बोला जाता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाले अक्रिय गैस, उत्कृष्ट गैस क्या है, तो क्या बताएंगे, आर्गन। ऐसे नॉर्मली पूछा जाए कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो आप बोलेंगे नाइट्रोजन। जब अक्रिय गैस की बात बोले सबसे अधिक, तब आर्गन बताना है, ध्यान रहे। आपसे पूछा जाए सबसे भारी गैस क्या है, तो क्या बताएंगे, रेडॉन। और अगर आपसे पूछ लिया जाए सबसे हल्की गैस क्या है, तो हाइड्रोजन। बहुत सारे लोगों का कहना रहता है कि सबसे हल्की गैस हीलियम है, ये गलत है। सबसे हल्की गैस है क्या, तो हाइड्रोजन, ध्यान रहे। सबसे हल्की गैस है तो हाइड्रोजन, इस चीज को आप माइंड में रखें।
एक प्रश्न मैं आपसे पूछूं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें क्या चीज। अब बताएं सबसे भारी गैस कौन सी है, सबसे भारी गैस कौन सी है। चलिए, थैंक यू।